तभी आता है जब कोई बहुत डेडिकेटेडली अपने आप को डांस को समर्पित करे और कम से कम 8-10 साल उसमें बिताए, उसके बाद में जो परफॉर्मेंस होती है, आई थिंक दैट इज़ जैसे कहते हैं डायमंड को पॉलिश करके बाहर निकालते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम गोना सी टुडे। आपने आज यहाँ पर एक डांस भी नहीं, डांस कोरियोग्राफी नहीं की है, पर आई थिंक आई नो देम बिकॉज दे आर डांसर्स। डांसर्स की जो होती है फैमिली होती है हमेशा, और सब लोग छोटे लोग हैं, छोटी फैमिली है, एंड आई थिंक जब डांस का जो जो गैदरिंग होती है यहाँ पे, सब जो डांस लवर्स आते हैं, दैट उसका जो एसेंस होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टुडे। आर्टिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं पे अपने आप को बताने का जो सोचते हैं, जो उनका फीलिंग होती है उसको
जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, आई थिंक आर्ट के थ्रू हमेशा किया जा सकता है. उसको मिसयूज़ है या करेक्ट यूज़ है, आई थिंक दैट इज वेरी पर्सनल, क्योंकि आपको जो ठीक लगे शायद किसी और को ठीक ना लगे. सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी जज इन एनी मैनर, बिकॉज हर आर्टिस्ट रिक्वायर्स अ वे टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, बी इट गुड और बैड, और वो हर मुद्दा उठा सकते हैं. अगर रेमो ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और वो पसंद नहीं आए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें शायद हो सकता है. आई डोंट नो द होल केस अबाउट, आई कांट रियली कमेंट, बट आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी अलाउड टू से व्हाट दे वांट टू से इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. थैंक यू.